नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर औरैया से है। पुलिस और आबकारी टीम को बड़ी सफलता मिली है। लखनऊ एसडीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। बता दें कि अवैध शराब चंडीगढ़ से लखनऊ ले जाई जा रही थी। खबर शाहजहांपुर से है। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार में पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार थाना क्षेत्र के खिरनी बाग के पास धर्मशाला में अचानक छापेमारी की, जहां 5 शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं ठगों के पास से पुलिस ने 10 एटीएम, 4 पासबुक, चेकबुक के साथ जाली आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। इन्हीं नाम पतों पर कुछ और जगहों पर अकाउंट्स भी है खुलवाते, ऐसा इनका मोटस ऑपरेंडी है। क्योंकि इसमें कुछ खीरी के भी अकाउंट्स खोले गए हैं, जैसा अभी जानकारी में है, उसके बारे में भी तफ्तीश हो रही है। बट इट वाज अ वेरी गुड ऑपरेशन डन बाय साइबर सेल, एंड इससे अभी ये रियल विक्टिम्स कौन है इसके बारे में भी जानकारी होनी है, जिनके पैसे इनके अकाउंट में आए हैं। तो अभी फिलहाल ये जो अच्छा गैंग एक बस्ट हुआ है, जिससे एक नया हब जो बिहार में जामतारा के ही स्टाइल पे ऑपरेट कर रहा है, ये अनर्थ हुआ है यहाँ शाहजहांपुर से, और उस पर कार्रवाई हमारी आगे चलेगी। जी नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये सभी को बताना चाहूँगा, जो हमारी सीधी साधी पब्लिक है उसको खास तौर से, बैंक अकाउंट्स लगभग अब तमाम लोगों के पास हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शासन की योजनाएं जिसमें सीधे उनके अकाउंट में पैसा मिलता है। तो इस कारण से बहुत से गरीब जो व्यक्ति हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं गाँव के, उनके अकाउंट्स हैं, तो इन्हीं को ये टैप करते हैं। तो कम से कम ये बात उनके दिमाग में रखनी चाहिए। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर अपनी मांग उठाई है। उनका कहना है कि हमें न सिम कार्ड मिलता है और न ही डाटा मिलती है, ऐसे में हम ऑनलाइन काम कैसे करें। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम डीएम को पत्र भेजा है। खबर पीलीभीत से है, जहां खेत पर जा रहे किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। वहीं हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल परिजनों ने घायल किसान को सीएचसी में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला थाना अमरिया क्षेत्र के नगरिया कॉलोनी का है। कन्नौज में अपराधों को रोकने के लिए जिला पुलिस अब अपराधियों पर तीसरी आंख से नजर रखेगी। जी हाँ, एसपी कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर जिले के सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसपी कुंवर अनुपम सिंह का कहना है कि अब कहीं भी गड़बड़ी पाई गई, शांति भंग की गई, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हरदोई से है। हरदोई की एडीएम वंदना त्रिवेदी ने विकासखंड 52 की गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम को यहां पशुओं के रखरखाव की स्थिति सही नहीं दिखी, जिसके बाद एडीएम ने नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि 52 गौशाला में पानी भरा हुआ है, जिसके क्रम में बीडीओ, मैं और तहसीलदार मौके पर मौका मुआयना करने आए हैं। तो पाया गया है कि गौशाला में पानी नहीं भरा हुआ है, परंतु जब हम लोगों ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ जानवर जो हैं वो मृत पड़े हुए हैं, और जो काफ़ी पुराने मृतक हैं जिनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं कराया गया है। किसी भी जानवर की मृत्यु तत्काल की नहीं है, सभी पुराने मरे हुए हैं, पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके हैं। उनको प्रॉपर डिस्पोजल कराते हुए उन पर मिट्टी डलाई जा रही है, लेकिन जानवरों के प्रॉपर निस्तारण ना कराए जाने के कारण यहाँ पर जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी और सेक्रेटरी हैं उनको विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से दी जा रही है। खबर बदायूं से है, जहाँ आवारा कुत्तों ने 3 छोटे छोटे बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहाँ आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को छुड़ाया, फिलहाल नजदीकी अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।
खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में जमील अहमद ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। जमील अहमद का कहना है कि वो उनका घर वापसी है। खबर इटावा से है। रेवाड़ी से कानपुर जा रही HPCL कंपनी की भूमिगत तेल पाइपलाइन में क्लैंप लगाकर तेल चोरी करने का प्रयास करने वाले गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक बोलेरो गाड़ी, एक टैंकर बरामद किया है। बता दें कि गिरफ्तार सभी बदमाश मैनपुरी जनपद के निवासी हैं। खबर बस्ती से है। बस्ती जिले के हरैया थाना के NH28 पर भीषण सड़क हादसा में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बता दें कि हाईवे पर खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार पिकअप टकरा गई थी, जिसमें पिकअप सवार लखनऊ के संजय और रायबरेली के राजू की मौत हो गई। बीती रात लगभग 11 बजे नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से 200 मीटर पूरब की तरफ बड़हरकला गांव के पास एक टाटा एस जो कि लखनऊ की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे वो सामने जा रहे ट्राला में टकरा कर उसी के अंदर घुस गया और टाटा एस में बैठे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल थाना हरैया और थाना पर छावनी की पुलिस मौके पर पहुंची। मैं भी मौके पर पहुंचा, क्रेन की मदद से तत्काल उसमें फंसी हुई डेड बॉडियों को बाहर निकलवा के उन्हें नियमानुसार मर्चरी भिजवाया गया। और मृतकों के नाम मंजय पुत्र कल्लू निवासी मड़ियाओं थाना जनपद लखनऊ और दूसरा मृतक राजू पुत्र रामाधीर निवासी डलमऊ जनपद रायबरेली है। इस संदर्भ में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप निरंतर प्रवर्तन अभियान भी चलाए जा रहे हैं और उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी बात की गई है कि जो इनके बस और ट्रक ले आई हैं उनको पूर्णतया विकसित करें और वहाँ पर अपने संकेतक भी लगाएं ताकि यदि किसी को आवश्यकता है तो उन्हीं चिन्हित स्थलों पर ही लोग खड़े करेंगे। खबर देवरिया से है। देवरिया के थाना मदनपुर अंतर्गत ग्राम बिलवार घाट में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ससुराल वालों ने ही अपनी बहू के साथ ऐसा काम किया कि देखने वालों की रूह कांप गई। जी हां, बहू को तालिबानी सजा दी गई। बहू का कसूर सिर्फ इतना है कि उसने प्रेम विवाह किया, जिसका परिणाम ये निकला कि ससुराल वालों ने युवती को ऐसी सजा दी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।